हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं गोभी मंचूरियन, एकदम रेस्टोरेंट वाला बनाएंगे। बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक गोभी का फूल लिया है, पूरा मीडियम साइज़ का, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अच्छे से इसको धो लिया है गर्म पानी से। अब यहाँ पे मैंने एक चॉपर ले लिया है, मैं इसमें इसको चॉप कर लूँगी। आप इसको चाहे तो कद्दूकस कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी से चॉपर में ये चॉप हो जाता है। अभी इसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारी गोभी को हमने चॉप कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे सारा ही मैंने कर लिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे गोभी को बचा के रख लूँगी। और अब मैंने यहाँ पे आधी शिमला मिर्च ली है, बारीक कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको भी बारीक काट के मैंने यहाँ पे ले लिया है। थोड़े से मैंने यहाँ पे प्याज के पत्ते लिए हैं और नमक यहाँ पे डाल देंगे अब हम स्वाद अनुसार। और एक चम्मच से अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और दो छोटी चम्मच से यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। अब सारी चीज़ों को पहले हम हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ मैदा। मैंने यहाँ पे आधा कप मैदा लिया है और दो से तीन चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर के डालूँगी। तो मैदा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अभी मैंने पूरा नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे अगर ये बाइंड हो जाएगा तो फिर उसको मैदा डालना बंद कर देंगे, अगर लगेगा तो थोड़ा सा और डालेंगे। और सब्जियों ने पानी काफ़ी छोड़ दिया है तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा इसमें और डाल देती हूँ और अच्छे से इसको मिला लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए ये बाइंड हो रहा है, तो मैं अब इसमें और मैदा नहीं डालूँगी। ये बन रहा बढ़िया से मंचूरियन बॉल। तो इतना मैदा मैंने बचा के रख लिया है। तो अब हम हाथों को एक बार अच्छे से साफ़ कर लेंगे और छोटी छोटी मंचूरियन की बॉल बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे ही मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। तो पहले थोड़े से बना लेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे और फिर बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इतने बना लिए हैं। और यहाँ तेल को मैंने मीडियम गरम करके रख दिया था, और अब यहाँ पे इसको डाल देंगे। जितना एक बार में आराम से आ जाए डाल देंगे, और जब तक ये नीचे से पक नहीं जाते हैं तब तक चलाना नहीं है, मीडियम हीट पे ही इसको हमने पकाना है। तो यहाँ पे ये नीचे से थोड़ा सा पक गया था, तो मैं इसको इस तरीके से हिला देती हूँ थोड़ा सा, और धीरे धीरे इसको चला के इस तरीके से पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ये पक गए हैं। अगर आपको तुरंत नहीं खाना है, इसको ग्रेवी नहीं बनानी है, तो आप इस तरीके से इसको बना के रख सकते हैं। और जब आपको ग्रेवी बनानी है उस टाइम पे आप इसको गरम तेल पे फटाफट से डालिए, एकदम बढ़िया से इसको क्रिस्पी होने तक तल लीजिए और फटाफट ग्रेवी में डाल लीजिए। इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो यहाँ साइड में मैं ग्रेवी भी बना के इसकी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में एक से दो चम्मच डाल दिया है तेल, और एक बड़े चम्मच से यहाँ पे लहसुन को मैंने कट करके बारीक चॉप करके डाला है, अदरक और लहसुन को डाला है, और इसको थोड़ा सा भून लिया है एक दो मिनट के लिए। अब यहाँ पे एक छोटे साइज़ का प्याज मैंने बारीक काट के ले लिया है, साथ ही थोड़ी सी हरी वाली जो प्याज होती है ना, वाइट वाला पार्ट उसका, वो डाल दिया है। और इसको भी बस थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है। और सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे तेज आंच पे ही फ्राई कर रही हूँ। अब यहाँ पे आधा शिमला मिर्च लिया है, इसको डाल दिया है, और एक छोटे साइज़ का गाजर बारीक काट के डाल दिया है, और जो मैंने थोड़ी सी गोभी को बचा के रख लिया था ना, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और दो से तीन हरी मिर्च डाल दी है। और सारी ही सब्जियों को हम तेज आँच पर ही फ्राई करेंगे। और इधर हमारी मंचूरियन बॉल भी देखिए बढ़िया से फ्राई हो गई हैं, अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो इसको मैं निकाल के रख लेती हूँ एक प्लेट में।
और यहाँ पे हमारी सब्जियाँ भी देखिए बढ़िया से फ्राई हो रही हैं। यहाँ मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च को कूट करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अच्छे से मिला देंगे और तेज आंच पे ही फ्राई करते रहेंगे। अभी गैस का फ्लेम मीडियम किया है मैंने और 2 चम्मच यहाँ पे टोमेटो केचप, 1 चम्मच से रेड चिली सॉस मैंने यहाँ पे डाली है और साथ ही इसमें अब डाल देंगे सोया सॉस। तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच के करीब छोटी चम्मच से सोया सॉस डाला है और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटी चम्मच से विनेगर का और अच्छे से सारे सॉस को मिक्स कर देंगे सारी सब्जियों के साथ और 1 से 2 मिनट के लिए इसको बस पका लेना है। तो यहाँ पे ये 1-2 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। अब मैंने यहाँ 1 चम्मच से लिया कॉर्नफ्लोर, उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से घोल लिया है। तो ये हम इसमें डालेंगे, इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको ड्राई कर रहे हैं एकदम ही तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, एकदम हल्की सी गीली सी आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप जैसे भी आपको पसंद है आप बना रहे हैं उस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी वाली बनानी है ज़्यादा तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए सॉस को और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अच्छे से पका लिया है। अब यहाँ मंचूरियन बॉल भी डाल दी है, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। बस 1-2 मिनट के लिए ही इसको हमने पका लेना है। सब्जियाँ भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये बनके तैयार हो गया है। थोड़ी सी मैंने ऊपर से प्याज की पत्तियाँ कट करके इसमें डाल दी है और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा गोभी मंचूरियन बनके तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया बना है, आप इसी तरीके से एक बार बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया बनता है। तो ये देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं, फ्राइड राइस के साथ आप इसे बना सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही आप खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको हरे वाले प्याज से गार्निश कर दिया है और ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा गोभी मंचूरियन बन के तैयार हो गया है। अंदर से एकदम सॉफ्ट बना है, बाहर से एकदम क्रिस्पी है, तो बहुत ही बढ़िया बना है। आप ही इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।